असेंबल करना सीखेंगे। मैच को हम सीधे पोजीशन पे रख लेते हैं, बट तो इसी पे ये स्क्रूप का पॉइंट आना चाहिए, लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हम जो निकली हुई है, इसको ऐसे निकला था। जब ये सेटर का मतलब कार्य क्या होता है, ये जोड़ देंगे स्क्रूप का पॉइंट यहाँ पे। एक तरफ ऐसा नोब है तो यहाँ पर ये नोब में लगाना है, तो लगाने के लिए देखिए इसको लगाने के लिए, तो इस तरह से पहले हम इसके ट्रांसफार्मर को लगा लेते हैं और फिर लगा देते हैं इसकी पीसीबी और ग्रिल के पास लगेगा। मतलब स्क्रूप लगाने के बाद अभी इसके ऊपर डालें यहाँ पे इस तरह से, इसको हमें लगा के अगर सेट कर दे, बन के तैयार हो गया। हम एसी का हुआ भाग जो है और जो कंप्रेसर है उसको देखिए हमें पहले, अब ये जो इसका कंडेंसर है जाए तो यहाँ पर देखिए एक लगा दिया, दूसरा देखिए लगा रहे करके इसको टाइट करना है। देख के तो पहचान ही सकते हैं कि ये मोटर के, देखिए यहाँ पे भी स्क्रूप का आगे की जाली है। तो चलिए आज हम लोग स्प्लिट एसी को असेंबल करना सीखेंगे। मतलब अगर स्प्लिट एसी को आप असेंबल करना चाहते हैं, ये सारे पार्ट अलग है, वो चाहे इंडोर हो, वो चाहे आउटडोर हो, वो चाहे कंप्रेसर हो, वो चाहे इवापोरेटर हो, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, अगर उसको असेंबल करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसी के बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये हमारा स्प्लिट एसी का देखिए बॉडी है, सबसे नीचे की बॉडी जो स्टैंड है, मतलब समझिए कि यही वो पार्ट है जो दीवार में लगाया जाता है। दीवार में कहां से लगता है अगर देखना चाहेंगे तो आपको दिखाएं, देखिए ये कटा हुआ भाग दिख रहा है ना यहां पर, और उसी तरह का भाग यहां पर भी है और बीच में भी है। तीन स्टैंड के पॉइंट बने हुए हैं और अगर दीवार में इसको लगाना होगा तो दीवार में स्टैंड लगाने के बाद यही वो पार्ट है जो ऐसे टंग जाता है इस तरह से, और इसी पर हमारी स्प्लिट एसी का पूरा पार्ट लगा होता है। तो इसको हमें असेंबल करना है, सबसे पहले पूरा भाग को फिट करना है। तो समझिए जो इसका ये बॉडी है, बॉडी में साइड में यहां पर देख सकते हैं ये पीसीबी और फैन मोटर वगैरह का ये जगह बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पहले इसको हम सीधे पोजिशन पे रख लेते हैं और इसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर लगाते हैं अपना ये ब्लोअर फैन। ये ब्लोअर फैन होता है हमारा जो कमरे में ठंडी हवा फेंकने का काम करता है, यही वो फैन है जो कमरे की गर्मी को खींचता भी है और कमरे में ठंडी हवा फेंकता है। तो ये हो गया हमारा ब्लोअर फैन, देखेंगे किस तरफ से लगेगा ये। तो यहां पर देखिए एक तरफ ऐसी पिन है, नजदीक से दिखाइए, एक तरफ ये ऐसी पिन है और दूसरी तरफ देखेंगे ऐसा स्क्रूप टाइट करने का पॉइंट है। तो जिधर स्क्रूप है ऐसा पॉइंट बना है, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो फैन मोटर है जो इस ब्लोअर फैन को चलाएगा वो इसी तरफ लगेगा। लगाने के लिए कुछ स्प्लिट एसी के फैन में यहां पर लगा होता है एक स्क्रूप, लेकिन इसके अंदर लगा हुआ है एलन की से खुलने वाला स्क्रूप, एलन की से। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं और मोटर को लगाते समय ये ध्यान देंगे कि ये जो पॉइंट है यहां पर देखें इस तरह से कटा हुआ है ना, कट जैसा बना है, ये सभी मोटरों के शाफ्ट पे बना होता है ना ये कट, तो इसी पे ये स्क्रूप का पॉइंट आना चाहिए और इसी पे लगा करके इसको हमें टाइट करना है। तो टाइट करने के लिए हमने एलन की का प्रयोग करना है और इसके अंदर जो एलन की लगेगी वो लगेगी दो नंबर वाली एलन की। देखिए ये दो नंबर वाली एलन की है, सबसे पहले यहां एक नंबर की है और ये दो नंबर वाली एलन की, तो दो नंबर की इसके अंदर एलन की लगा करके और हम क्या करेंगे इसको कर देंगे टाइट। तो यहां पर देखिए एलन की लगा करके ये इसका वार्सल रबड़ निकल रहा है, इसको हम लगा देते हैं और दो नंबर वाली एलन की से हम इसको टाइट करेंगे। ये रबड़ अगर निकल रहा है तो हम सही से लगा लेंगे और बाकी इसको देखिए हम इस तरह से टाइट करेंगे एलन की सहायता से, इस तरह से इसको घुमा के हम टाइट कर रहे हैं और एलन की से ब्लोअर फैन को आसानी से टाइट किया जा सकता है। कुछ में ये स्क्रूप पे होता है तो स्क्रूप से टाइट करना पड़ सकता है। अब देखिए ये मोटर हमने इसमें लगा दिया, अब मोटर इसमें लग गया और ये जो पतली सी पिन जैसा दिख रहा था ना इसके अंदर स्टैंड यहां पर देखिए एक वार्सल लगा हुआ है रबड़ का, इसी में हमें इसको लगा देना। अगर ये बाहर निकला होता तो देख सकते हैं ये रबड़ कुछ ऐसा है, इस तरह से पहले यहां पर वार्सल लगा लेना है और उसी में इसको हमें लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हम क्या करें, यहां पर इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसके अंदर लग गया और इधर मोटर साइड में फिट हो गया। और देखिए अब ये ब्लोअर फैन हमारा सही काम कर रहा है, ऐसे घुमा के चेक कर लेंगे कि कहीं ये लड़ तो नहीं ना रहा है, लड़ेगा तो क्या दिक्कत तो होगी ना, आवाज आएगी बाद में खड़बड़ाहट की आवाज आएगी, फिर कहेंगे ये कहां से आवाज आ रही है, तो ये सारी दिक्कतें होंगी। तो इस तरह से मोटर और ब्लोअर फैन को हम क्या किए, असेंबल कर दिए, फिट कर दिए। अब हमें लगाना है एवापोरेटर, सबसे मेन भाग होता है पूरे एसी में, ठंडा करने वाला भाग होता है एवापोरेटर। जिस प्रकार से फ्रिज होती है, वाटर कूलर, डिफ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें यही ठंडा करता है। इसके अंदर देखिए दो पाइप है ना, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। इसमें इनपुट ये पतली वाली पाइप है और मोटी वाली पाइप है आउटपुट, यानी आउटपुट का मतलब एवापोरेटर का आउटपुट जाता है कंप्रेसर के सक्शन लाइन में, इसलिए ये वाली पाइप मोटी है और जो डिस्चार्ज लाइन से गैस आती है वो पाइप इसमें पतली है, मतलब कंप्रेसर से आती है जबकि इसमें जाती है। तो ये इसका इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ और ये है एवापोरेटर। जिस प्रकार से सभी एवापोरेटर होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींच के वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना,
जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। अब देखिए ये वाली पाइप को हमें बचाना है, ये दोनों पाइपें हैं जो जोड़ने के लिए बनी होती है, तो हमें इसके अंदर जगह से साइड से निकालना होता है। तो देखिए इस तरह से यहां पर ये जो मोटर है, ये मोटर इसी के जस्ट बगल में यहां पर प्लास्टिक में देखेंगे थोड़ी सी जगह बनी है ना, इसी जगह में से हमें इसको निकालना है। तो ये जो पाइप कटी हुई है, देखिए पाइप जो निकली हुई है, इसको पहले हम इसी तरफ निकालते हैं, यहीं पर लगाते हैं और इस तरह से इसको हम सेट करके इसको बैठाने की कोशिश करते हैं। और देखिए ये जैसे निकला था, जब ये सेट बैठ जाएगा ना तो फिर एकदम सही से बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर हम देखते हैं, बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह से ये बैठ गया, और इसका जो भी थर्माकोल वगैरह अगर इधर उधर हो जाए तो आपको उसको सही कर लेना है। और देखिए ये पूरा हमारा एवापोरेटर फिट एकदम बैठ गया बढ़िया तरीके से। इधर आगे से भी देख सकते हैं, यहां से ये पाइपों को भी देख सकते हैं, पाइप नीचे हो गए, ये थर्माकोल वगैरह लगा हुआ है। तो इस तरह से ये जो हमारा एवापोरेटर है, देखिए इधर से इसको भी देख सकते हैं, ये देखिए पूरी तरह से बैठ गया है, और यहां पर भी पूरा सेट हो गया हमारा। अब लग गया हमारा एवापोरेटर, मेन चीज तो हमारा एवापोरेटर होता है, हमने इस तरह से लगा दिया। अब एवापोरेटर के बाद हमें लगा देना ये वाला ग्रिल, ग्रिल जहां से ठंडी हवा निकलती है और एवापोरेटर का टपका हुआ पानी बाहर निकलता है, उसको हमें लगाना है। तो लगाने के लिए देख लेते हैं। देखिए इसमें एक तरफ ये मोटर लगा है ना, ये जो मोटर है इसको हम बोलते हैं स्विंग मोटर। स्विंग मोटर का मतलब कार्य क्या होता है, ये ग्रिल को ऊपर नीचे करता है, यानी ग्रिल मतलब समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं छोटी सी प्लास्टिक टूटी हुई दिख रही है ना, ये क्या होता है, ये दाहिने बाएं होता है। इससे क्या होता है, हवा को दिशा मिलती है। मतलब जैसे अगर एसी से हवा खाली सीधे निकले तो पूरे रूम में कैसे फैलेगी, तो इससे क्या होता है, ये ऐसे अगर दाहिने धीरे धीरे बाएं, धीरे धीरे दाहिने धीरे धीरे बाएं, या फिर कुछ में ऐसे धीरे धीरे ऊपर धीरे धीरे नीचे, वो जो होता है ये स्विंग मोटर करता है। इतना छोटा सा मोटर है ना, लेकिन 220 वोल्ट की एसी सप्लाई पे डायरेक्ट काम करता है। तो इस तरह से हो गया। और इसको लगाने के लिए देखिए ये जो नाली के जैसा पॉइंट है ना जिससे पानी निकलता है, ये एवापोरेटर में इस तरह से लगेगा, सेट बैठ जाएगा, और इसी तरह से इसको समझिए कि बस ये लग के कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके अंदर कोई स्क्रू वगैरह दिख रहा है तो आप लगा के उसको टाइट कर देंगे, अगर स्क्रूप नहीं है, लॉक पे है, तो लॉक पे है तो आसानी से इसको लगा किसी में छोड़ देंगे। स्क्रूप का पॉइंट यहां पे बाहर दिख रहा है, लेकिन ये इसके साथ अभी हम टाइट नहीं करेंगे, ऊपर वाली बॉडी के साथ इसको हम टाइट करेंगे। तो इस तरह से ये ग्रिल भी हमारी लग गई। अब अगर इसके अंदर हमें लगाना है तो लगा देंगे हम इस मोटर को ढकने का पॉइंट। तो देखिए यहां पर हमें ये वाली बॉडी अभी सेट करना है जिसके अंदर पीसीबी वगैरह, लेकिन इसको सेट करने से पहले ये जो मोटर है ना, इस मोटर को ढकने के लिए इसका एक स्टैंड और था छोटा सा, ये लगाना भूल गए। और अगर इसको लगाना है तो पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा फिर से निकालते हैं जल्दी से, और ये एवापोरेटर को भी निकालना होगा हमको, क्योंकि ये मोटर को हमें लगाना है फिर से। तो हम एवापोरेटर भी फिर से निकाल लेते हैं एक बार, और इसको हम फिर से लगाते हैं। यहां एवापोरेटर को भी हमने निकाल लिया, और ये जो हमारा फैन है इसको दबाने के लिए देखिए ये एक प्लास्टिक का इसका स्टैंड है समझिए, और एक तरफ ऐसा नोब है, तो यहां पर ये नोब में लगेगा, और इस तरह से दबा के इसमें एक स्क्रूप लगेगा। तो ये हम ले लेते हैं एक स्क्रूप और एक स्क्रू ड्राइवर, और यहां पर लगा करके इसको हम कर देते हैं टाइट। तो देखिए इस तरह से हम इसको टाइट कर देंगे, ताकि ये जो मोटर है ये इसमें दबा रहेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से स्क्रू लगा करके हमने इसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद अब हम फिर से अपना एवापोरेटर और ग्रिल दोनों लगा देते हैं। तो यहां पर हमने एवापोरेटर लगा दिया, अब लगा देते हैं इसका ग्रिल भी, और ग्रिल और एवापोरेटर दोनों लगाने के बाद, तो यहां पर हमने एवापोरेटर, ग्रिल और इसका स्टैंड लगा दिया। अब हमें इसके अंदर पीसीबी को सेट करना है, तो पीसीबी को सेट करने के लिए पीसीबी का जो बॉक्स है, जो स्टैंड है, जो जैक है, उसको हमें लगाना है। तो लगाने के लिए देखिए, इसको लगाने के लिए तो हमें सिंपल सा बस इसी तरह से लगा देना है, और यह भी इसके लॉक पे आधारित है, तो इसके अंदर लॉक रहेगा, और जो डायग्राम वाला सिंबल रहेगा ये बाहर की साइड की चीज होती है। तो यहां पर लगा के देखिए, इसको लगाएंगे यहां पे लॉक पे ये फंस जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी लॉक हो गया। अब इसके अंदर लगाना हमें पीसीबी। ये जो पीसीबी है, पीसीबी और ट्रांसफार्मर इसके अंदर देखिए दिया, ये सभी पीसीबी अलग-अलग तरीके की होती है, पुरानी पीसीबी है इसलिए इस तरह बनावट की है। बाकी अब की पीसीबी ऐसी भी आ रही है कि ट्रांसफार्मर उसके अंदर ही हो जा रहा है, बाकी अलग से भी ट्रांसफार्मर आता है, ऐसा नहीं कि नहीं सभी पीसीबीओं में ऐसा ही हो गया कि एक ही में आएगा या अलग से आएगा। तो सभी में कुछ भी हो सकता है, कुछ में अलग भी आता है, कुछ में साथ में भी आता है। तो इस तरह से पहले हम इसके ट्रांसफार्मर को लगा लेते हैं, और फिर लगा देते हैं इसकी पीसीबी और जो दोनों इसके सेंसर वायर है, इन वायरों को जो भी सेंसर है। देखिए इसके अंदर दो सेंसर है ना, कैसे पता चले कौन सा सेंसर है, तो जिसमें ऐसे कॉपर का पॉइंट लगा हो, ये वाला सेंसर होता है क्वाइल सेंसर, यानी ये इस पाइप को सेंस करता है कि कितना कूलिंग हो रही है, यानी एवापोरेटर को सेंस करता है। और ये जो दूसरा सेंसर होता है, ये होता है हमारा रूम सेंसर, मतलब रूम के अंदर की जो गर्म हवा आ रही है वो कितनी ठंडी आ रही है, ये उसको सेंस करता है। तो रूम सेंसर एवापोरेटर के सामने लगता है, और क्वाइल सेंसर एवापोरेटर के किसी पाइप में लगता है।
और जो भी इसके स्विंग मोटर फैन मोटर की ये जो जैक होंगे ये सब आपस में खोंस देंगे। आपस का मतलब जिस जैक का जो जगह होगा उसमें लगा करके इसको हमें सेट कर देना, इसमें खोंस देना है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर की बॉडी को हमें सेट करना है। वो वाली बॉडी देखिए हम यहां पर है, उठा लेते हैं। ये वाली जो बॉडी है इसको हमें सेट कर लेना है और इसको लगाने के लिए भी देखिए हम किस तरह से लगाएंगे। ये जो आगे का पोजीशन होगा ना, ये वाला पॉइंट देखिए ज्यादा खाली दिख रहा है, ये ऊपर हमारा फिल्टर वगैरह का, तो जो ज्यादा खाली है ये यही हमारे ग्रिल के पास लगेगा, मतलब इसका यही सीधा पोजीशन होगा और इसी तरह से देखिए लग जाएगा ये बिल्कुल आसानी से, देखिए इसमें सेट बैठ गया। अब अगर इसके अंदर स्क्रू टाइट करना है तो यहां पर देखिए स्क्रू टाइट करेंगे हम। इसके अंदर 3 स्क्रू लगते हैं आगे की साइड में और स्क्रू लगा के इसको हम टाइट कर देते हैं ताकि ये इधर उधर ना जाए। तो देखिए एक स्क्रू हम यहां लगा देते हैं, इसके अंदर 3 स्क्रू के पॉइंट होते हैं तो तीनों स्क्रू को हम आसानी से इसमें लगा देते हैं। हमने एक को लगा दिया, अब ये देखिए दूसरे को लगा देते हैं, स्क्रू अंदर गिर गया, दूसरा ले लेते हैं। और आपको स्क्रू ड्राइवर ऐसा लेना चाहिए जिसमें ऐसे चुंबक का पॉइंट हो, मतलब स्क्रू गिरे ना, तो इस तरह से लगा के आसानी से लगाएंगे आराम आराम से। जल्दीबाजी करेंगे तो इधर उधर गिर जाता है स्क्रू, आपको बचाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए हमने 2 स्क्रू लगा दिया, तीसरा स्क्रू भी लगा देते हैं। और तीसरा स्क्रू लगाने के बाद अभी इसके ऊपर लगाना हमें एयर फिल्टर और इसका मेन वाला पॉइंट जो बाहर का है और ये पीसीबी डिस्प्ले वगैरह। तो यहां पर देखिए ये इसका है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का मतलब हवा को छानकर शुद्ध करने वाला। इस फिल्टर को अगर चारों तरफ से देखेंगे तो एक तरफ ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ऐसे 2 प्लास्टिक थोड़ा सा निकला होगा, ये जो दोनों निकला होता है इसके अंदर भी देखेंगे तो लॉक में लगाने के लिए जगह बना होता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से अगर हम इसको डालें यहां पे, इस तरह से अगर हम इसमें डालेंगे ये क्या करेगा, ऐसे साइड से होते हुए अंदर तक जाएगा, अंदर तक इसमें जाकर के सेट बैठ जाएगा। और देखिए इसी तरह से इसमें अंदर जाएगा और सेट इसमें बैठ जाएगा और बैठने के बाद जो लास्ट का पोजीशन बचेगा वो लगा देना है इसी में। तो इस तरह से देखिए हमने एक फिल्टर को लगा दिया, ये दूसरा एयर फिल्टर लगा देते हैं। यहां पर देखिए इसी तरह से लॉक पे होता है, ये सीधे इसमें अंदर जाता है, आसान तरीके से चला जाता है। जब ये फिल्टर का ये पॉइंट देखिए जैसे यहां से टूटा हुआ है ना, अगर ये टूटा रहता है तब डालने में दिक्कत होती है क्योंकि जब हम दबाते हैं तो ये ऐसे बन के मुड़ने लगता है, इसलिए इसको जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन जब तक ये सही रहेगा, टूटा नहीं रहेगा, तो ये आसानी से चला जाता है। अगर ये देखिए आसानी से अगर नहीं भी जा रहा है तो भी हम तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए इधर से लॉक में लगा दीजिए, लॉक में फंसा लीजिए इस तरह से दोनों तरफ। और लॉक में फंसाने के बाद ये जो ऊपर की जगह बची है नीचे की तरफ से इसको क्या करना है, हमें ऐसे करके पहुंचा देना है, यानी खींच लेना है, ये नीचे यहां तक जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसके अंदर यहां से चला जाएगा। अगर ये टूटा हुआ पॉइंट होगा तब ये दिक्कतें आएगी, नहीं तो ये सीधा आराम से चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा लग गया एयर फिल्टर। एयर फिल्टर के बाद इसके ऊपर अब हमें लगाना होता है इसका जो मेन कवर है उसको, और उसके कवर में लगाना होता है हमारा डिस्प्ले। तो ये देखिए हमारा ये वाला हो गया कवर, इसका मेन वाला फ्रंट का कवर, और ये डिस्प्ले का पॉइंट है। वैसे इसमें गोल है ना, ये सभी एसियों में अलग अलग ढंग का होता है, देखिए उसमें तो डिस्प्ले का पॉइंट पता ही नहीं चल रहा है, और अब की जो भी एसियां है उसमें भी डिस्प्ले का पॉइंट नहीं पता चलता है, लेकिन इसके अंदर है। तो अगर डिस्प्ले का पॉइंट है तो इस तरह से देखिए ये डिस्प्ले गोल वाला है, ऐसा यहां पे लगेगा। और ये डिस्प्ले का जो जैक है ये पीसीबी के अंदर जिसमें लगा है उसी में लगा देना है। वैसे ये किसी गलत लगता नहीं, किसी दूसरे में लगाएंगे तो ये लगेगा नहीं। तो इस तरह से इसको हमें लगा के अगर सेट कर देना है तो इस तरह से हम इसको लगा करके सेट कर देंगे और ये हमारे स्प्लिट एसी का इनडोर हो जाएगा तैयार, यानी रेडी। तो ये सब देखिए लॉक पे होते हैं, एक स्टैंड के जैसा होते हैं समझ लीजिए। तो यहाँ से हमें इसको भी लगा लेना है देख करके लॉक पे, और देखिए ये हो गया हमारा स्प्लिट एसी का इनडोर, बिल्कुल रेडी हो गया और बिल्कुल बन के तैयार हो गया। हम इसको अब रख देते हैं यहाँ पे साइड में। देखिए हमारा इंडोर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब अगर हम आउटडोर की बात करें कि आउटडोर को इंस्टॉल हम कैसे करें, तो देखिए ये आउटडोर का हमारा स्टैंड है और ये हमारे देखिए आउटडोर का सबसे निचला वाला भाग, यानी जिससे हमारा कंप्रेसर वगैरह रहेगा। सबसे पहले देखिए कितना गंदा हो गया था वो, तो इस तरह से देखिए हमने यहां पर ये आउटडोर सबसे नीचे वाला भाग है। और सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे ये 3 नट ऊपर उठे हुए हैं। ये जो तीनों नट है इसका ये मतलब है कि इसके अंदर आएगा कंप्रेसर। ये कंप्रेसर मोटर है ना, देखिए यहां पर हमने स्प्लिट एसी का आउटडोर जो है, आउटडोर का मतलब स्प्लिट एसी का हुआ भाग जो कमरे के बाहर यानी छत पे रखा होता है, ये वो वाला भाग है। और इसके अंदर ये होता है ये कंप्रेसर मोटर। देखिए कंप्रेसर मोटर इसकी पाइपों के साथ से हमने कट नहीं किया है, ये जुड़ा हुआ रहने दिया है। अगर इसको हम कट करें तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक पाइप को यहां से जोड़ से हम इसको अलग कर दें तो ये अलग हो जाएगा, कंप्रेसर अलग और कंडेंसर अलग। लेकिन यहां पर हमने रहने दिया एक ही में, क्यों इसको अलग करना, बाकी आपको दिखाते हैं कि देखिए इसका ये जो सिस्टम है नजदीक से दिखाइए। ये कंप्रेसर मोटर है,
जिसका कार्य गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। मतलब यह इसकी सक्शन लाइन, ये जो पाइप है देखेंगे मोटी है, मोटी पाइप मतलब सक्शन लाइन, यहां से यह गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से यानी पतली वाली पाइप के माध्यम से गैस को बाहर फेंकता है और यहां से गैस निकल कर जाती है कंडेंसर में। ये जो पूरी जाली है ना, ये पूरा कंडेंसर है जिसका कार्य गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना यानी कि भाप को पानी बनाना होता है और उसके बाद गैस निकल के यहां से आती है। यहां पर नजदीक से देखेंगे तो यहां लगी होती है फिल्टर, यहां इस साइड में देखिए, ये देखिए एक पाइप ये बाहर निकल रही है यहां से ना, यहां लगा होता है फिल्टर और उसके बाद ये पतली सी पाइप है कैपिलरी ट्यूब और यहां पर है देखिए ये कैपिलरी ट्यूब के बाद ये जो पाइप है ना खाली नट जोड़ने का जगह दिया है ना, यहां पे जुड़ जाता है हमारा एवापोरेटर जो कि पाइप जोड़ करके इनडोर तक लेके जाते हैं और उसके बाद एवापोरेटर का जो आउटपुट है वो जुड़ता है हमारे इस सक्शन वाले वाल्व में, यानी सक्शन और चार्जिंग हमारा दोनों, तो ये देखिए सक्शन वाल्व है, तो ये हमारे दोनों वाल्व होते हैं। इसमें एक सक्शन वाल्व है, एक डिस्चार्ज वाल्व है। जो सक्शन वाल्व है वो मोटा होता है, जो डिस्चार्ज वाल्व है वो पतला यानी छोटा होता है। अब अगर इसको हमें लगाना है तो हम देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ये कंप्रेसर तो हमारा वहीं पे जाएगा, ये जो कंप्रेसर मोटर है हमारा उधर ही जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, इसे पलट लेते हैं, दिशा को पलट लेते हैं और जो कंप्रेसर है उसको देखिए हमें पहले इन तीनों में नटों में इसको देख करके लगाना है, ये उसी में लगे जा करके देखिए इस तरह से नटों में देख करके लगाना है और इसका ये जो रबड़ होता है ना, ये जो कंप्रेसर के नीचे रबड़ लगता है इसको बोलते हैं ग्रोमेट रबड़ और इसका कार्य होता है कि ये कंप्रेसर मोटर को वाइब्रेट करने से बचाता है, आवाज आने से बचाता है, शोरगुल होने से बचाता है, ये इसका काम होता है। तो कंप्रेसर में रबड़ इस तरह से लगाना जरूरी है। देखिए कंप्रेसर को हमने सेट कर दिया, बैठा दिया, अब ये जो इसका कंडेंसर है इसको भी लगा करके यहां सेट कर देते हैं। अगर ये पाइप यहां से खुली होती तो यहां पर मात्र एक वेल्डिंग करने की जरूरत है, यानी दोनों कापरों को एक जगह जोड़ने की जरूरत है, बाकी इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से लगा लिया, अब इसके अंदर जो भी स्क्रू वगैरह होंगे सभी स्क्रूपों को हमें लगा लेना है। तो जो स्क्रू है हम ले लेते हैं यहां से और बाकी सभी स्क्रू को इसमें लगा देंगे, जहां पर टी रिंच की जरूरत पड़ेगी वहां पर टी रिंच लगाएंगे, बाकी देखते हैं किसकी किसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए जो कंडेंसर का स्टैंड है हम उसको स्क्रू की लगा करके इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये जो कंडेंसर है वो इधर उधर ना जाए। तो यहां पर देखिए एक स्क्रू लगा के हम कंडेंसर को टाइट कर रहे हैं, इस तरह से जितने भी स्क्रू लगने वाले कंडेंसर में सभी तरफ लगा लगा करके इसको टाइट कर देना है ताकि देखिए ये कंडेंसर इधर उधर ना जा सके। और सभी स्क्रू लगाने के बाद इसके अंदर ये जो सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व है ना, मेन बात तो इसी की है कि देखिए ये मोटा सक्शन वाल्व है, पतला डिस्चार्ज वाल्व है, इसी को हमारा मेन है, तो यही को लगाना है। देखिए लगाना कैसे है, इसके अंदर नट लगाने की जगह देख लीजिए, ये वाली जगह देख रहे हैं ना, और इसका नट दिखाते हैं आपको, यहां पर रखा हुआ है इसका जो नट है, देखिए ये वाला नट है इसका, ये नट है थोड़ा बड़े साइज में है और ये टी रिंच के द्वारा टाइट होगा। इसी को टाइट करना और बदलना मेन चीज है। देखिए इसको हमें अगर कभी इसको बदलने की जरूरत पड़े तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वेल्डिंग किया हुआ जगह है और यहां से लेकर के ये जो इतना वाल्व है ये अलग से मिलता है, मार्केट में खरीदेंगे कि हमें सक्शन वाल्व चाहिए, हमें डिस्चार्ज वाल्व चाहिए तो इतना मिल जाता है और आपको केवल ये वेल्डिंग खोल करके यहां पे दूसरा वेल्डिंग करके जोड़ देना होता है और ये वाल्व अलग से हम चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर हम अगर इसको लगाना चाहें तो देखिए लगा सकते हैं कैसे, ये हम नट ले लेते हैं, टी रिंच में लगा लेते हैं और इस तरह से इसको लगा के हमें इसमें टाइट करना होता है। देखिए हम यहां पर टाइट करने की कोशिश करते हैं और ये बिल्कुल आसानी से टाइट भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पहले तो इसको हमें सेट कर लेना है और यहाँ पर लगा करके नट को थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं हम हाथ से ही और उसके बाद हम इसको लगा करके अपने टी रिंच से इस तरह से देखिए टाइट कर देंगे, पूरी तरह से टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसको हम एलन की से भी बाद में टाइट करते हैं, यानी कि इस वाल्व को बार बार इधर उधर हिलाने की भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए। इसके अंदर दो दो नट लगते हैं तो दोनों नट को लगा देते हैं हम, एक नट को लगा दिया, दूसरा देखिए लगा रहे, तो इस तरह से देखिए हमने दोनों नटों को लगा दिया। अब लगाना है इसका सक्शन वाल्व, ये तो लगा दिया हमने डिस्चार्ज वाल्व, अब इसमें लगाना है सक्शन वाल्व। तो सक्शन वाल्व की पाइप देखिए थोड़ा सा हमने मोड़ दिया था और इसको भी हम थोड़ा सा मोड़ करके नीचे कर लेते हैं और बाकी इसको लगाने के लिए जगह बना लेते हैं। और यहां पर देखिए ये हमारा तो डिस्चार्ज वाल्व हमने लगा लिया, अब लगाते हैं सक्शन वाल्व और सक्शन वाल्व को लगाने के लिए देख लीजिए इस तरह से हम यहां पर वाल्व का पॉइंट है और जगह बना लेते हैं और नट को लगाने के लिए कुछ जगह बना लेते हैं और जगह बनाने के बाद हम नट को लगा लेते हैं। पहले टी रिंच में यहां पर डाल लें और उसके बाद इस नट का जो पोजिशन है नीचे करके, देखिए नीचे करके यहां से
और इस तरह से हम क्या करें, पहले इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं हाथ से और उसके बाद टी रिंच से टाइट करेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप जगह बना लेता है अपना। देखिए इस तरह से हम टाइट करते जाएंगे और ये सही सेट बैठते जाएगा। तो इस तरह से इसको लगा के भी टाइट कर लेना है। देखिए हम यहाँ पे टाइट कर ले रहे हैं, इसी तरह से आपको भी टाइट करना है। और ये सक्शन वाल्व लग रहा है, डिस्चार्ज वाल्व सक्शन वाल्व बदलना भी बहुत बड़ी एक समस्या होती है, बदलने की जरूरत कई बार पड़ जाती है। जब ये लीकेज होने लगता है, जब इसमें से गैस लीक करने लगती है, नट सही से टाइट नहीं होता है, एलन की का स्क्रू जैसे घिस जाता है, खोलने से मिस हो जाता है, तो इस अवस्था में इसको बदलने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमने इसको भी बदल लिया। देखिए स्क्रू इसके अंदर और भी स्क्रू के पॉइंट होंगे, उसको भी आपको लगा करके टाइट कर लेना जितने भी स्क्रू होंगे, ताकि ये मजबूती से हो जाए, हिले डुले ना। अब देखिए इसके जो भी स्क्रू हैं हम थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं, इसके पीछे वगैरह साइड के जितने भी स्क्रू हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेते हैं। जो टी रिंच की जरूरत है वो केवल एक ही जगह, बाकी सभी जगह नॉर्मल हमारे स्क्रू ड्राइवर से काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रू का पॉइंट है, यहाँ टाइट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस नट को टाइट कर दिया। अब हम इसके अंदर जो कुछ लगने वाला, इसका फैन मोटर मेन चीज तो है, एक फैन मोटर, ये फैन मोटर का स्टैंड है और ये रहा हमारा इधर देखिए फैन मोटर इसका रखे हुए हैं। अगर इस फैन मोटर को अब अगर लगाने की जरूरत पड़ती है तो देखिए कैसे लगाएंगे। फैन मोटर के लिए भी हमें स्क्रू की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारे चार स्क्रू हैं, ये बड़े वाले जो चमकते हुए हैं, इसको हम ले लेते हैं, ये चारों स्क्रू, और इन स्क्रूपों में हमारा लगेगा ये फैन मोटर। फैन मोटर का ये देखिए स्टैंड है, जहां पर ऐसे पत्ती है ये ऊपर का भाग होता है, क्योंकि ये ऐसे कंडेंसर पे ऊपर जाके फंसता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इसी तरह से लगेगा। तो देखिए जब ये इसी तरह से लगेगा तो ये इसका मेन लीड जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ बीच से निकाल करके उस पार कर लेते हैं, क्रॉस करवा लेते हैं और इस तरह से ये मोटर हमारा सेट करते हैं इसके अंदर लगा करके। देखिए इसके अंदर मोटर को हमें लगाना है इस तरह से, कोशिश हमें ऐसा करना चाहिए कि जो इसका स्टिकर वाला पोजिशन है वो हमें ऊपर ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर रहता है और कभी आने वाले टाइम में इसको देखने की जरूरत पड़े तो हम से इसको देख भी सकते हैं। यहां पर हम स्क्रू ड्राइवर में एक स्क्रू फंसा लेते हैं और इसको हमें टाइट करना है, तो हम यहां पे टाइट करते हैं। देखते हैं ये स्क्रू का पॉइंट है, इसमें हमें लगा करके इसको टाइट करना है। स्क्रू की सहायता से ये फैन मोटर इस पे टिका हुआ है। मोटर वैसे देखने में तो भारी नहीं है लेकिन काफी हवा देता है और ये कंडेंसर को ठंडा करने के लिए लगा होता है, यानी जो कंडेंसर होता है वो गैस को वेपर से द्रव में बदलता है ना, जब वेपर से द्रव में बदलता है, जब वो कार्य करता है तो उस अवस्था में गर्म होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए लगा होता है ये हमारा कंडेंसर फैन। तो इसके अंदर टोटल चार स्क्रू होते हैं और सभी स्क्रू को हम इसमें टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चारों स्क्रू को टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद अब हमें इस मोटर को लगा के सेट करना है। और एक चीज़ और बताएं, इसका जो केबल वायर है ये मेन लीड वाला, इसको हमें यहीं पे लगा देना है। और इसके अंदर एक पत्ती दिख रही है, दिखाइए पत्ती, इसको पत्ती यहाँ पे देख रहे हैं, ये पत्ती है एक, ये इसी तार को अगर जब हम इसको दबाते हैं तो इस तरह से दबा के इसको मोड़ देते हैं, ये दब जाता है। एक पत्ती यहाँ पर देखिए और है, इस तरफ से साइड में लेकर के आएंगे और इससे भी इसको हम दबा देंगे तो ये जो तार है समझिए यहाँ पर लॉक हो जाता है और ये तार यहाँ से अब हमें मेन लीड के रूप में इधर से निकलता है ऊपर की साइड से। अब इस फैन को हमें लगाना है, तो लगाने के लिए देखिए ये स्टैंड को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, जो भी पत्ती वगैरह उसके साथ स्टैंड को यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। और सेट करने के बाद देखिए इसके अंदर दो स्क्रू यहाँ नीचे की साइड में लगाने हमें हैं, यहाँ पर दो स्क्रू लगाने हैं। यहाँ से देखिए ये स्क्रू का पॉइंट है, ये एक सुराख दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है ना, तो इसके अंदर हमें स्क्रू लगाने हैं। तो इस तरह से हम ले लेते हैं ये स्क्रू और इसको हमें टाइट करना है। तो सबसे पहले सुराख मिला करके इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्क्रू को हमने टाइट कर दिया और टाइट करके ये जो फैन मोटर है हमारा लगकर रेडी हो चुका है। देखिए अगर ये इसमें लड़ रहा है, जिसमें भी लड़ेगा उसको आपको सही से कर देना है, उसकी साइड को दिशा को बदल देना है, उसको मोड़ देना है। बाकी इसकी जब हम बॉडी लगाएंगे तो ये उसके साथ अभी कनेक्ट होगा। तो अब देखिए हमें क्या लगाना है, इसकी साइड वाली बॉडी, ये जो साइड वाली बॉडी है तो ये गोल वाला कटा हुआ भाग है, देख के तो पहचान ही सकते हैं कि ये मोटर के करीब लगेगा। तो जिस भी तरह से लगेगा देखिए इसी तरह से लगेगा, जैसे भी लगेगा ये मोटर के करीब रहेगा। और ये पत्ती का जगह भी देखिए यहाँ पे इसमें बना हुआ है, तो इस तरह से इसको हमें लगाना है। और ये समझिए एक तरह से स्टैंड है और जो कि हमारा इस तरह से लग जाएगा। और लगने के लिए देखिए ये हमारा स्टैंड का बॉडी हो गई और इसको भी यहाँ पे इस तरह से ऊपर की साइड में करके और इसके अंदर स्क्रू लगा के हम इसको क्या टाइट कर देते हैं। ये देखिए स्क्रू ले लिया हमने एक और इसको लगा के हमें यहाँ टाइट करना है ताकि ये स्टैंड में इसी में फंस जाएगा और ये ऊपर वाला भी रुक जाएगा, फैन भी इसी पे रुक जाएगा और ये जो बॉडी है ये खुद भी उसी पे रुकी रहेगी। और इसके नीचे भी स्क्रू हैं, जितने भी स्क्रू हैं सभी को हमें लगा लेना होगा। तो इस तरह से हमने देखिए लगा लिया और इसके नीचे भी जो स्क्रू लगने वाले हैं उन सभी को हमें लगा देना है। इस तरह से स्क्रू को देख देख करके जहाँ जहाँ से स्क्रू निकाले हैं सभी जगह स्क्रू इसमें लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हम देख रहे हैं और जो भी स्क्रू की जगह है वहाँ पर इसको सेट करके
इसको हमें वहां लगा देना है। तो इस तरह से स्क्रूप लगा के यहां पर भी देखिए हम टाइट कर दे रहे हैं। तो सभी जगह बस इसको अब टाइट कर देना है और जितने भी स्क्रूप के पॉइंट हैं सभी को टाइट कर देना। हमें देख देख करके जहां से भी स्क्रूप निकला है सभी जगह देखिए यहां पे भी स्क्रूप का पॉइंट है। जितना अधिक स्क्रूप लगा के टाइट कर देंगे उतना हिलने का डर कम रहेगा, चांस आवाज नहीं आएगी, खड़बड़ाएगा नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से जितने भी स्क्रूप के पॉइंट है वो सब लगा देंगे। और सब स्क्रूप के पॉइंट लगाने के बाद देखिए ये जो हमारा एक और बॉडी बची है, ये जो बॉडी है यहां साइड की है जो कि कंप्रेसर के करीब रहेगी हमारी, और इसमें कनेक्शन वगैरह करने का भी जगह होता है। और ये देखिए इसी तरह से इसका सीधा पोजीशन इस तरह से रहेगा। यहां पर देख सकते हैं ये कनेक्शन की जगह है और ये इसकी बॉडी है जो कि यहां पर लगेगी। जो भी स्क्रूप वगैरह इसके अंदर भी है उसको भी हम लगा करके इसको सेट कर देते हैं। यहां पर देखिए स्क्रूप ले लेते हैं और इसको भी लगा के हम इसमें सेट कर देते हैं, ये साइड वाली बॉडी। और साइड बॉडी बॉडी लगने के बाद आपको शॉर्ट में अगर दिखा दें तो ये ऊपर वाला पॉइंट लगा देंगे ताकि इसका पूरा ढक्कन लग जाए। और ये ढक्कन लगने के बाद स्क्रूप लगाने के बाद यहां पर हम लगा देंगे ये जो आगे की जाली है, तो इसको भी यहां पे देखिए इस तरह से लगाएंगे। ये जाली का पोजिशन है, नीचे की साइड में लॉक है और इस तरह से लगा के इसको भी कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी स्प्लिट एसी कंप्लीट हो जाएगी, बस स्क्रूप लगाना बाकी, हम उसको लगा दे रहे हैं। और चलिए इसी प्रकार से हम स्प्लिट एसी का असेंबल कर सकते हैं, एक एक पार्टों को चेंज कर सकते हैं। इस स्प्लिट के एसी से संबंधित अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे बने रहिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।